काटा गया जेल के अंदर। जेल में जन्मदिन मनाते वीडियो वायरल हुआ है। 1 लाख रुपए लेकर जेल में फोटो युक्त केक भी पहुंचा। लाइटर चाकू उपलब्ध कराने का जेलर पर आरोप लगा है। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदी का जन्मदिन कैसे मना, बड़ा सवाल। मोबाइल, बर्थडे केक, चाकू, लाइटर भी इसमें मिला है। कैदी पर 307 गैंगस्टर का केस दर्ज है। कोर्ट में पेशी पर आए कैदी ने यह आरोप लगाया। लाइटर चाकू उपलब्ध कराने का जेलर पर आरोप लगा है। ये देखिए किस तरीके से जेल के अंदर ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे कोई कह सकता है कि ये जेल है। सारे ऐशो आराम यहां पर मौजूद है। बैरक के अंदर केक पहुंचता है, चाकू पहुंचता है, सारी वो चीजें उपलब्ध होती हैं। ये देखिए किस तरीके से टेबल को सजाया गया है, वहां पर केक रखा गया है। संवाददाता संजीव आजाद इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, हम देख रहे हैं कि जेल के अंदर केक काटने की तस्वीरें, क्या कहें इसे? जी बिल्कुल, देख सके कहा जाए कि जो कैदी है शिवेंद्र सिंह है, इनका आरोप है, इन्होंने अपने वकील के माध्यम से बताया कि जो है अभी हाल ही में इन्होंने अपनी जान का खतरा जताया था, जिसके चलते इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जेल में इनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। ऐसे में इनका आरोप है कि जेलर ने इनसे 1 लाख रुपए लिए, जिसके एवज में उनको बर्थडे केक मुहैया कराया और जो लाइटर मोबाइल वो सारी चीजें मुहैया कराई जो कि जेल में प्रतिबंधित मानी जाती हैं। इसके बाद जब ये आज कोर्ट पे आए तो उन्होंने बताया मेरा बीते दिनों जन्मदिन इन्होंने मनवाया और अब जो है उनका कहना है कि और पैसे की मांग कर रहे हैं और अगर पैसे न देने पर मुझे धमका रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया संजीव आजाद इस पूरी बातचीत के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। तो जेलर पर यह आरोप लगा है कि 1 लाख रुपए लेकर केक मुहैया कराया क्या जेल के अंदर। वहां पर लाइटर भी पहुंचा, वहां पर चाकू भी मिला, वहां पर कैंडल्स भी मिले, वहां पर माचिस भी मिली, इस तरह सब तरीके की चीजें वहां से देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेल के अंदर की ये तस्वीरें हैं। 1 लाख रुपए देकर जेल में जश्न मना सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बता रही हैं। जेल के अंदर ये आरोप लग रहा है जेलर पर कि 1 लाख रुपए जेलर ने लिए, उसके बाद केक पहुंचाया गया, कैंडल्स वहां पर पहुंचाए गए, चाकू वहां मुहैया कराया गया, वो सारी चीजें एक कैदी को वहां पर मुहैया कराई गई जो एक घर में शान शौकत से जिस तरीके से एक बर्थडे पार्टी मनती है, वही पार्टी आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर मनाई जा रही है। जेलर का नाम लिया है जो शख्स तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है केक काटते हुए। इसका साफ तौर पर यह आरोप कि जेलर ने 1 लाख रुपए लिए, जिसके बाद इस तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई। ये कैदी शिवेंद्र सिंह है, जिस पर कई इस तरीके के मामले दर्ज हैं। 307 का मामला भी इस पर दर्ज है, कई और भी मामले दर्ज हैं जिसके चलते ये जेल में है। जब ये शख्स पेशी पर आया तो इसने ये तमाम आरोप जेलर पर लगाए हैं और ये कहा गया कि भारी रकम लेकर 1 लाख रुपए की रकम लेने के बाद उसको ये सुविधाएं मुहैया कराई गई। अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये जेल के अंदर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए पीछे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि बैरक है, बैरक के अंदर इस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। केक काटा गया है, जश्न मनाया गया है, उसके बाद ये केक आपस में बांटा भी जा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर इतना सामान कैसे पहुंचा, क्या जो शख्स आरोप लगा रहा है जेलर पर वो सही है, अगर जेलर ने ये केक यहां नहीं पहुंचाया तो कैसे केक अंदर गया, और आखिर जेल के अंदर जो सुविधाएं ये मुहैया कराई गई उनको किसने मुहैया कराया, और अगर जेलर ने ये सब नहीं कराया तो उसकी मौजूदगी में, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में, जेल प्रबंधन की मौजूदगी में ये सब आखिर कैसे हुआ। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जेल के अंदर इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं बदमाशों को, अपराधियों को। कैसे हम माने कि ये जेल के अंदर अपराधी जेल काट रहे हैं, तो पूरी यहां पर ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं। इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल जलाई जा रही हैं, केक काटा जा रहा है, मुस्कराते हुए तस्वीरें, और ये वीडियो भी बनाया गया जो कि वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस शख्स ने जेलर पर तमाम आरोप लगाए हैं। सवाल उस जेलर पर भी तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये आरोप सही है, और अगर जेलर इन आरोपों को नकारते हैं तो फिर इन तस्वीरों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन संलिप्त है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जेल प्रबंधन के बिना, जेल प्रबंधन की गैर
मंजूरी के, जेल प्रबंधन की बिना मर्जी के ये तस्वीरें सामने जेल से नहीं आ सकती, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर केक पहुंचाया गया है, चाकू पहुंचाया गया है, कैंडल्स पहुंचाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेल प्रशासन की नाकामी, मिलीभगत, लापरवाही, भ्रष्टाचारी साफ यहां पर नजर आ रही है। और फिलहाल यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।